यंदाच्या हंगामात उशिरा का होईना बाजारात शाही लिची दाखल झाली आहे। वास्तविक लॉकडाऊनमुळे लिचीच्या विक्रीवर परिणाम दिसून आलाय। बाजारांमध्ये ग्राहकच नसल्याने लिचीची मागणी कमी झाली आहे। त्याचा परिणाम हा शेतकऱ्यांवर झालाय। पाहूयात रिपोर्ट। मुजफ्फरपूर इथल्या शेतात सध्या लिची तोडणीला वेग आलाय। कोरोना आणि त्यामुळे लागलेला लॉकडाऊन या सर्वात बाजारात ग्राहकच नाहीयेत, त्यामुळे बाजारातून मागणीच नसल्यामुळे लिची उत्पादक शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला होता। दरवर्षी स्वतः व्यापारी शेतावर जात लिची खरेदी करत होते, मात्र लॉकडाऊन असल्यामुळे यंदा व्यापारीच माल खरेदी करण्यासाठी आले नाहीत, त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य बाजारपेठ उपलब्ध होत नव्हती। या सर्वात शेतकऱ्यांसमोर मोठा आर्थिक संकट उभं राहिलं होतं, त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आता स्वतःच पुढाकार घेत शेतमाल बाजारात घेऊन जाण्याचा निर्णय घेतला। साल लॉकडाउन के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हम लोगों को आया, मतलब काफ़ी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए सब कुछ मास्क वगैरह एक्स्ट्रा एक्सपेंस हो गया, जबकि हम लोगों को आगे इसका रिटर्निंग नहीं मिलने जा रहा है। ऑलरेडी हम लोग लॉस में चल रहे हैं और कितना लॉस होगा वो तो सीजन के बाद ही पता चलेगा, बट अभी तक ओवरऑल पोजिशन जो है हम लोग किसी मंडी में भेजेंगे वहाँ कोई कस्टमर नहीं है, कहीं से डिमांड नहीं आ रहा। पिछले साल के बनस्पत जो हर जगह से डिमांड आते थे, सारे व्यापारी हमारे बगान में आते थे, इस साल कोई व्यापारी हमारे पास नहीं आए और हम लोग खुद अपने हिसाब से दिल्ली भेज रहे हैं। वहाँ क्या होगा नहीं होगा ये कोई नहीं जानता, किस रेट में बिकेगा नहीं बिकेगा, रकम आएगा रकम टूट जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। मुजफ्फरपूर परिसरात लिचीला दिल्लीतील बाजारात सर्वाधिक मागणी असते, मात्र यंदा लिची बाजारात येण्यास जवळपास आठवड्याभराचा उशीर झालाय, त्यामुळे शेतकरी देखील चिंतेत होता। त्यात आता या लिचीला बाजारात कसा भाव मिळतो याचीही शाश्वती नाही। आधीच अवकाळी पाऊस आणि गारपीट यामुळे लिचीचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं असल्याचं व्यापाऱ्यांनी सांगितलंय। तकनीकी रूप से हम बता दें कि अभी तो एक तो सबसे बड़ा कि हमारे पास कोई ऑर्डर, कोई व्यापारी हमारे शहर में नहीं आना चाह रहा, सबों को दिक्कत आने का कोई कन्वीनियंस नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। बाहर से जो लेबर आती थी, बाहर की जो टीमें आती थी, वो नहीं आ रही है। सामान मिलने में दिक्कत हो रही है, रेट एक्स्ट्रा हो गया है। सामान शहर में नहीं आने के कारण जो सामान पहले कम में मिलता था उसका रेट ज़्यादा हो गया है, और ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा हो गया, उसके बाद भी नहीं मिल रहा है अवेलेबल नहीं। फिलहाल तो यही सब दिक्कत आ रही है। यंदाच्या हंगामात उशीर का होईना शाही लिची बाजारात दाखल झाली आहे। यात ग्राहकांना लिची मिळण्याची आशा आहे, तर शेतकऱ्यांना लिचीला योग्य भाव मिळण्याची अपेक्षा आहे। लॉकडाऊनमुळे आलेल्या या संकटात शेतकऱ्यांवर मात्र आर्थिक बोजा पडणार असंच चित्र आहे। ब्युरो रिपोर्ट, AM न्यूज।